रामनवमी का त्यौहार शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मुख्यालय सहित जिले में शोभा यात्राएं निकाली जाएगी। इन आयोजनों को लेकर जहां आयोजन समितियों ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं, वहीं पुलिस एवं प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। बुधवार दोपहर RAF की टीम भी पहुंची। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, SP धर्मवीर सिंह यादव ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में पेट्रोलिंग भी की। सायरन बजाते वाहन संवेदनशील इलाकों सहित शोभा यात्रा मार्गों पर पहुंची। वाहनों में पुलिस बल के साथ ही वज्र बम स्क्वाड, रैपिड एक्शन फोर्स, अश्वरोही दल शामिल था। SP ने बताया कि रामनवमी की पारंपरिक शोभा यात्रा शांति, सौहार्द और प्रेम के साथ निकले, त्योहार उत्सव के रूप में मने, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर लिए हैं। गड़बड़ी करने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। शहर में अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग भी की गई है। तमाम संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। कलेक्टर वर्मा ने बताया कि त्योहार शांतिपूर्वक मने, इसके लिए प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। 11 के आसपास झांकियां शामिल हो रही हैं, 10-12 DJ शामिल हो रहे हैं, कुछ अखाड़े भी शामिल हो रहे हैं। सुरक्षा के पूरे आयोजन में हमने पूरा प्लानिंग बहुत बारीकी से की है। सबका रूट तय किया गया है, टाइमलाइन तय किया गया है, तो कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। लगातार हम लोग संपर्क में हैं, तो आम नागरिकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि पुलिस की बहुत अच्छी प्रभावी व्यवस्था है। हमने यातायात व्यवस्था भी मजबूत लगाई है, तो लोग एक अच्छा भव्य आयोजन है, उसमें भागीदारी करें और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सम्पन्न हों। देखिए कि कल जो आयोजन है इसको लेके पूरे शहर में एरिया डोमिनेशन मार्च निकाला है। इस पूरे मार्च में 500 से अधिक फोर्स शामिल था। हमारे साथ बाहर का जो फोर्सेज आए हुए हैं वो भी फ्लैग मार्च में शामिल थे। ये एरिया डोमिनेशन मार्च इसलिए निकाला जाता है कि आम नागरिकों में ये संदेश जाए कि पर्याप्त पुलिस के इंतजाम लगाए गए हैं। कल के आयोजन को लेकर पुलिस ने बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए हैं। सारे संवेदनशील क्षेत्रों को हमने एरिया डोमिनेशन के उसमें रूट पर रखा है। कल की व्यवस्थाएं काफ़ी मजबूत रहेंगी। फिक्स पॉइंट्स भी लगाए गए हैं, पेट्रोलिंग भी लगाई गई है। जुलूस का जो पूरा रूट है उस पर लगभग 200 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पूरा जुलूस का मार्ग CCTV कैमरे में कवर होगा। जो भी इस प्रकार के शरारती तत्व होंगे उनकी निगरानी होगी। 8 टीमें हमने ड्रोन कैमरे के साथ लगाई हुई है और लगातार पिछले 10 दिन से सभी संवेदनशील क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। ड्रोन कैमरे से भी कवर किया जाएगा। तो पूरा जुलूस का जो रूट है और जो प्रोसेसन है वो कैमरों की निगरानी में होगा। जितने भी शहर में इस प्रकार के एलिमेंट हैं जो शरारती टाइप के तत्व जिनको मानते हैं, जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनको हमने बॉन्ड ओवर कराया है। उनकी गतिविधियों की लगातार हम लोग निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसा आप देख रहे हैं, पिछले सारे धार्मिक आयोजन इस शहर में बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। हमने लगातार सभी समुदायों के साथ, सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठकें की हैं। बहुत अच्छा सहयोग का सकारात्मक पॉजिटिव वातावरण निर्मित हुआ है। दूसरे समाज के लोग भी स्वागत करेंगे, पहले भी स्वागत हुए हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग स्वागत करेंगे। इसमें जो कल रामनवमी का जुलूस शहर में बड़ी धूमधाम से निकलता है और इसकी तैयारियां भी आयोजकों के साथ मिलकर के पुलिस प्रशासन साथ मिलकर पूरी तैयारी कर ली गई है और सभी तरह की तैयारियों के मद्देनज़र लगातार कभी कभी पैदल मार्च होता है और आज हमारा फ्लैग मार्च हुआ है। पुलिस प्रशासन साथ में, SP साहब और हम सब साथ में गए। यहाँ पर RAF की टीम भी आई है और पूरा जो फोर्स डेवलपमेंट हुआ है उसको साथ में शहर के सभी संवेदनशील स्थान कवर किए हैं और कल का आयोजन बहुत भव्य हो, शांतिपूर्ण हो, ऐसी पूरी तैयारियां हैं। और हम अपील करते हैं कि शहर में सभी लोग कल का जो हमारा जुलूस है उसको एंजॉय करें, किसी तरह की कोई शंका ना रहे। और सभी शहरवासियों और आयोजकों से मेरी भी अपील है कि इसको शांति सद्भाव का त्यौहार मानते हुए इसमें सहयोग करें। पुलिस प्रशासन भी आपके साथ है, किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। सर, आप स्वयं निकले हैं साथ में पूरे प्रशासन बल के साथ, पूरा आपने शहर का भ्रमण किया है सर, पूरा जायजा लिया। अब पूरी टीम निकली है, मैं, SP साहब और हमारे पूरे पुलिस प्रशासन के अधिकारी, RAF की जो टीम है सभी निकले हुए हैं। पूरा जिले में जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट हैं वो भी हमने तैनात किए हुए हैं। पुलिस बल भी पूरी पर्याप्त लगाया हुआ है। सारी तैयारी चाक चौबंद है। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना
बिल्कुल भी ना भूलें।